जो यहाँ पर हम देखने वाले कोन और डिसोटेशन बच्चों इलेक्ट्रोसाइक्लिक एक्शन में, जब यहाँ से पाई बॉन्ड से बच्चों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये जो एंड कार्बन पर ऑर्बिटल्स हैं इनको रोटेट करना होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों जब दोनों कार्बन्स पर अगर ऑर्बिटल्स को हम रोटेट करें क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस पर भी रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज करें या फिर इस पर भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करें तो रोटेशन का नाम क्या है बच्चों, कोन रोटेशन कहलाता है। अगर हमें ऑर्बिटल का रोटेशन बच्चों इस तरह से करना पड़े कि अगर एक कार्बन पर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और दूसरे पर क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो रोटेशन क्या कहलाता है बच्चों, डिस रोटेशन कहलाता है। एक कार्बन पर एंटी क्लॉकवाइज दूसरे पर क्लॉकवाइज, तो यहाँ दो जो टर्म है कोन, कोन का मतलब है दोनों कार्बन पर सिमिलर डायरेक्शन में रोटेशन है कोन का, और या फिर क्लॉक क्लॉक है, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक है। डिसोटेशन का मतलब एक पर क्लॉक दूसरे पर एंटी क्लॉक या एक पर एंटी क्लॉक दूसरे पर क्लॉक, कहाँ पर किस तरह से नीड होती है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये मॉडल बनाया हुआ है मैंने ब्यूटाडाइन का। अगर बच्चों यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं एसिमेट्रिक, जैसा कि हम एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हैं, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर अगर बच्चों कलर डिफरेंट है तो ये ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं बच्चों, एंटीसिमेट्रिक कहलाते हैं। तो इसके लिए रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कोन रोटेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पर मॉडल से कोन ही रोटेशन क्यों, क्योंकि बच्चों बॉन्ड बनने के लिए सेम फेज मैच करना चाहिए। सपोज इसको मैंने घुमाया बच्चों क्लॉक वाइज, तो इसको भी मुझे घुमाऊंगा क्लॉक वाइज घुमाऊंगा, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सेम कलर ऑर्बिटल्स जो है बच्चों मैच किए हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। या सपोज बच्चों यहाँ पर मैं इनको एसिमेट्रिक पोजिशन पर फिर से ले आया हूँ बच्चों, रिंग क्लोजिंग में कर रहा हूँ, सपोज इसको घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉक वाइज, अगर इसको मैंने एंटी क्लॉक वाइज घुमाया और इसको भी मैंने क्या किया बच्चों एंटी क्लॉक वाइज घुमाया, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर सब सेम कलर मैच हो गए। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ अगर ऑर्बिटल्स दोनों एंड कार्बन पर क्या थे बच्चों, एसिमेट्रिक थे, तो बॉन्ड जो मैच कर रहा है बच्चों किससे मैं कोन रोटेशन से मैच कर रहा है, वही कोन रोटेशन ही अलाउड होगा, डिस रोटेशन अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर एक बार डिस रोटेशन करके देखते हैं, देखेंगे कि सेम फेज मैच नहीं करे। तो बच्चों यहाँ पर मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको क्लॉक वाइज मैंने रोटेट किया, और तो इसको करूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट किया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंट कलर आ गया, तो इस यहाँ पर इसका मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स की पोजीशन पे क्या रहेगा बच्चों, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, कोन रोटेशन से बनेगा। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, अगर बच्चों एंड कार्बन पर ऑर्बिटल्स कैसे हैं बच्चों, सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हैं, मतलब सेम कलर के ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर आप इस पर रोटेशन कर, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो डिस रोटेशन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बच्चों इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, सेम कलर लाने के लिए इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था, इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन करना होगा, तब कलर मैच यहाँ पर करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब बच्चों अगर सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हैं तो हमको घुमाना पड़ा डिस रोटेशन, मतलब इसको क्लॉकवाइज तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्बिटल के कलर मैच करें और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर इसको बच्चों मैं घुमाने की करूँ कोन रोटेशन तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको भी हम एक बार देखते हैं। इसको घुमाया हमने क्लॉकवाइज, तो इसको घुमाया हमने एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज तो इसको भी मैंने घुमाया बच्चों रोटेट किया क्लॉक वाइज, तो देख रहे होगे ये डिफरेंट कलर आ गया। अगर कोन रोटेशन करने का हमने ट्राई किया बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे बच्चों सीखा अगर ऑर्बिटल्स बच्चों कैसे हैं, एंटी सिमेट्रिक है तो रोटेशन हमें कोन कराना होता है, सेम कलर आ जाता है। अगर ऑर्बिटल्स कैसे हैं बच्चों, अगर सिमेट्रिक ऑर्बिटल है तो डिस रोटेशन से बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज। थैंक यू।